हेलो गाइस, व्हाट्सएप मैं हूँ बाबा। आप देख रहे हो बाबा एडिट। गाइस मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर एडिटिंग लेकर। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मस्त होने वाला है, तो फटाक से कर दीजिए लाइक एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी बजा देना क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करके चलो वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले गैलरी पर चले जाना एंड ये वाला बैकग्राउंड सिंपली सिलेक्ट कर लेना। गाइस ये बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वैसे सिंपली डाउनलोड कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड सिंपली पिक्सट पर चले जाना। पिक्सट पर आने के बाद गाइस सिंपली साइट पर जाके एड फोटो पर क्लिक कर देना एंड फेसबुक का जो प्रोफाइल पिक्चर स्क्रीन शॉट है वो सिंपली सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद सिंपली क्रॉप ऑप्शन पर चले जाना एंड सिंपली एक्स्ट्रा पार्ट को सिंपली क्रॉप कर लेना कुछ ऐसी तरह से। करने के बाद सिंपली राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड कुछ इसी तरह से हल्का से जूम करके कुछ ऐसी सेट कर लेना। एंड करने के बाद सिंपली इरेज ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर इरेज ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर इरेज कर लेना कुछ ऐसी तरह से। तो गाइस अच्छे से इरेज कर लेना। इरेज करने के बाद सिंपली राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। करने के बाद सिंपली साइड पर चले जाना। आने के बाद गाइस आप लोगों के सामने ब्रांड ऑप्शन सिंपली मिल जाएगा, वैसे सिंपली टैप कर देना। टैप करने के बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। करने के बाद गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छे दिखने के लग रहा है। तो अब क्या करना होगा, सिंपली सेव करना होगा। सिंपली राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड सिंपली एरो पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना एंड सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गाइस सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एडिट ए फोटो पर सिंपली क्लिक कर देना एंड यहाँ पर जो ये फोटो है ये सिंपली सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस देख सकते हो बैकग्राउंड का लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वैसे सिंपली डाउनलोड कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा गाइस। तो अब क्या करना होगा, सिंपली साइट पर आके एड फोटो पर क्लिक कर देना एंड आप लोगों का जो फेसबुक का स्क्रीन शॉट है वो सिंपली सिलेक्ट कर लेना एंड क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को सिंपली कट कर लेना कुछ ऐसी तरह से। एंड करने के बाद सिंपली राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो गाइस आप क्या करना होगा, सिंपली फोटो को अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना होगा। सेट करने के बाद सिंपली राइट साइड पर चले जाना एंड ब्रांड ऑप्शन पर क्लिक करके मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेना। खाने के बाद सिंपली इरेज ऑप्शन पर चले जाना एंड यहाँ पर इरेज ऑप्शन पर क्लिक करके ओपेसिटी को हल्के से माइनस की तरफ कर देना एंड कुछ ऐसी तरह से इरेज कर लेना एंड अच्छे से इरेज कर लेना जैसे कि रियलिस्टिक लगे। एंड करने के बाद गाइस सिंपली राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड सिंपली सेव करने के लिए एरो पर चले जाना एंड यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके सेव क्लिक कर देना, यहाँ पर सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, आई होप गाइस वीडियो बहुत ही पसंद आई तो लाइक एवं शेयर कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी बजा देना क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस ये था आज के लिए छोटी सी एडिटिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।